भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सभी मानव सभ्यताओं के उपलब्ध ग्रंथों में वेद सबसे पुराने अभिलेख हैं। चारों वेदों में सबसे पहले वेद ग्रंथ ऋग्वेद को सर्वसम्मति से संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अन्य तीन वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी वेद ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ कहा गया है। इसका अर्थ है कि इन ग्रंथों के लिखित रूप में आने से पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अगली पीढ़ी को श्रवण या सुनाते हुए अर्थात श्रुति परंपरा से वेदों का ज्ञान संरक्षित किया। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना अनेक ऋषियों ने अलग अलग कालखंडों में की। इनमें प्रमुख ऋषि हैं गृहस्थ, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, वशिष्ठ और कर्व। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचयिता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद अध्यात्मक है। ऋग्वेद के मंत्रों में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी देवता हैं सूर्य, अग्नि, वरुण, उषा और अदिति। ऋग्वेद में ही अस्तो मां सद्गमय मंत्र और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दूसरा वेद यजुर्वेद गद्यात्मक शैली में है, जिसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहली दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दूसरी उत्तरी भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद, जिसे आदित्य संप्रदाय भी कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद में वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड आयोजन में होने वाले यज्ञों के लिए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में कई यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रमुख हैं अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ और राजसूय यज्ञ। यजुर्वेद में राष्ट्र की चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्र की उन्नति हेतु प्रसिद्ध प्रार्थना मंत्र मिलता है, जिसकी प्रथम पंक्ति है कि ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। तीसरे वेद सामवेद में मंत्रों का संग्रह है, जिनको वैदिक लोग देवताओं की स्तुति के समय गाते थे। सामवेद में सारे वेदों का सार माना जाता है। सभी वेदों के चुने हुए अंशों को सामवेद में संकलित किया गया है। सामवेद में 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, वहीं 17 मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेद से
लिए गए हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सभी भारतीय संगीत की कलाओं का मूल स्रोत साम वेद है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। समस्त स्वर, ताल, छंद, राग नृत्य, मुद्रा, भाव सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद में वीणा, करकरी, दुदुम्बी, तुरब और बांकुरा संगीत यंत्रों का उल्लेख है। सामवेद की गायन पद्धति के स्वरों को सारे के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गीत संगीत सामवेद की अमूल्य देन है। चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में लगभग 6000 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का व्यावहारिक ज्ञान का वर्णन है। अथर्ववेद में भूगोल, खगोल, चिकित्सा, रोगों के प्रकार, शल्य चिकित्सा, राजनीति और अर्थशास्त्र का व्यापक वर्णन है। आयुर्वेद की विभिन्न उपचार पद्धतियों, रोगों और दवाइयों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद को महत्व प्राप्त हुआ। अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन के नियमों, दायित्वों और व्यवहार का समुचित उल्लेख है। चारों वेदों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट होता है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का मूल स्रोत चार वेद ही हैं, जिनको संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।